नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ वसई के वरिष्ठ वकील दिगंबर देसाई साहब है और हाल फिलहाल में जो मामला एक चल रहा है तुनिशा शर्मा की, जिन परिस्थितियों में मौत हुई, उसने आत्महत्या की, क्या वजह थी नहीं वजह थी, वो सब मीडिया ट्रायल चल ही रहा है, आप देख रहे हैं रोज। उस मामले में माननीय न्यायालय में पूरी बहस, जिशान की, शिजान की जो बेल एप्लीकेशन है उस पर बहस पूरी हो चुकी है और कल अब फैसला आने वाला है। तो इस मामले में वकील साहब से हम चर्चा करने आए हैं। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार वकील साहब, मामला काफी देख रहे हैं, काफी हाईलाइटेड मामला है। अभी देश भर में दो मामले पिछले समय में हुए जिन्होंने वसई को काफी हाईलाइट किया, एक श्रद्धा वालकर का और दूसरा यह मामला। तो पहले इस मामले की बात करते हैं कि इस मामले में शिजान को इतना लंबा टाइम हो गया, बेल उनका नहीं ग्रांट हो रहा है और आने वाले कल में कुछ लोग ये उम्मीद, उनके लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बेल ग्रांट होगी, जबकि उनके विरोधी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बेल कैंसिल होगी। तो एक कानूनन इसमें क्या आपको लगता है कि कल उनको बेल मिल पाएगी या बेल रिजेक्ट होगी? सबसे पहले बेल जो होता है इसको जानना है हमको कि ये बेल एक प्रक्रिया होती है, उसके लिए एक प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर के मुताबिक ही ये सारे काम होते हैं। अब ये जो आपके हिसाब से अभी आप कह रहे हैं कि इतना दिन हो गया है वगैरह वगैरह, तो कोई भी केस में कोई भी एक्यूज्ड जब उसकी पुलिस कस्टडी होने के बाद जेल में जाता है, जिसको जुडिशियल कस्टडी कहते हैं, तो उस जुडिशियल कस्टडी के दरमियान ही बेल एप्लीकेशन फाइल किया जाता है। और हम सब लोग को यह मालूम है कि जब यह एप्लीकेशन फाइल किया जाता है तो उसकी सुनवाई के लिए अपोजिशन को यानी सरकार को, तो पुलिस को नोटिस निकाला जाता है। तो यह सारी प्रक्रिया एक दिन में दो दिन में नहीं होती है। कोर्ट के पास इतने सारे केसेस, बेल एप्लीकेशन पेंडिंग रहते हैं, तो उस हिसाब से आज फाइल अगर हम कुछ बेल एप्लीकेशन करते हैं तो उसका नंबर जिस दिन आता है वो पहले वाले पेंडिंग बेल एप्लीकेशन जो होते हैं उसके हिसाब से वो अगली तारीख मिलती है। उस तारीख को पुलिस को जब नोटिस दी जाती है तो पुलिस अपना से अपना कहना जो है वो कहना लेकर, अपना जो बात है वो रिपोर्ट लेकर उस दिन आ जाती है। और यहां आजकल माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि ऐसे मामलों में, पर्टिकुलरली सेंसिटिव मामलों में, जो एग्रीव पार्टी हैं तो उनको भी सुनने का अंदेशा है या उनको भी सुनने के निर्देश है, आदेश है। तो जाहिर है कि कंप्लेनेंट पार्टी को भी यह मौका दिया जाता है और वो भी अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया उनको, जब तक कोई भी जुडिशियल ऑफिसर वो सबको मौका नहीं देता है तब तक बेल देने की बात जो है वो इतने जल्दी में नहीं हो सकती है। तो ये सारे चीजों को, सारे स्टेप्स को जब इम्पोर्टेंस दिया, जो भी तवज्जो दिया गया है या चांस दिया गया है, उसके बाद में जामीन के ऑर्डर हो जाती है बेल की। तो अभी यहां इस मामले में तो हम लोग देखते हैं कि अगली जो पिछली तारीख हुई है उसमें ये सारी चीजें, सारी बहस, सारी पार्टीज की बहस हो चुकी है। तो जाहिर है माननीय जज साहब ने अभी इसके ऊपर अभ्यास करके अपना जो निर्णय देना है उसके लिए तारीख दी हुई है। आमतौर पे ऐसा अगर तारीख दिया हुआ है तो उस तारीख में यह नतीजा मिलने वाला है अपने को। तो उसके मुताबिक अभी रहा आपका सवाल, इसमें जामीन होगा या नहीं होगा। अभी ये सारी कोई भी चीज में जामीन होना नहीं होना, ये जज के सामने जो भी तथ्य आए हैं दोनों बाजू से, उस तथ्यों को का विचार करके ही जज इसके ऊपर निर्णय देते हैं। आमतौर पे 306 जो होता है, यहां भी जो अबेटमेंट टू सुसाइड जो हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है, अगर खुदकुशी करने वाली व्यक्ति अगर अपने खुदकुशी के पहले अगर कोई सुसाइड नोट लिख के चली जाती है तो उसमें जो भी उसने मरने के वक्त लिखा हुआ होता है वो आमतौर पर उस पर तवज्जो दिया जाता है, उसको ध्यान में लिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें
जिनकी मौत हुई है उस व्यक्ति ने यहां अपने मौत के बारे में क्यों खुदकुशी कर ली है उसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। तो जब ऐसा डायरेक्ट कोई कारण अपने सामने अगर नहीं होता है तो इसके बारे में नतीजा लेने के वक्त फिर जो सर्कमस्टेंशियल बातें तथ्य जो भी इन्वेस्टिगेशन में आ रही है उसको मद्देनजर किया जाएगा, उसको देखा जाएगा और उसके बाद में इसके ऊपर तय किया जाता है। तो आमतौर पे ये जो केस के बारे में जो भी हमने पढ़ा है, मीडिया में सुना हुआ है, उससे हमारा ख्याल है कि इसमें जमीन तो मिलना चाहिए, लेकिन सारी डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसा डेफिनेटली इसमें यही होना चाहिए ऐसा बोल नहीं सकते हैं जब तक वो तथ्य हमारे सामने नहीं आते। सर एक सवाल यह है कि दिन भर में सैकड़ों केसेस देश भर में होते हैं, लेकिन कुछ केसेस जो है जो इस तरह से एकदम हाईलाइट होते हैं, तो क्या इन केसों का अदालत के बाहर जिस तरह से देश भर में असर होता है, क्या अदालतों के अंदर भी ऐसा असर होता है? अदालत भी कौन होता है, अदालत भी एक ह्यूमन बीइंग है ना, जज साहब भी तो एक इंसान है और घर में जाने के बाद जज साहब भी तो न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली जुडिशियल ऑफिसर तो अपने सामने जो कागज है वो कागजों को देखकर ही अपना नतीजा देता है, लेकिन एक इंसान होने की वजह से ये चीजें अगर उन्होंने देखी है, जानी है, तो क्वाइट नेचुरली थोड़ा इफेक्ट तो होता होगा। बट जनरली जज का रोल ये रहता है कि सामने उनके जो कागज आए हुए हैं, जो रिपोर्ट्स आए हैं, उसके आधार पर और लीगल पोजिशंस जो होती हैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के इस टाइप के मामले में, जो भी अलग अलग नतीजे, जो भी रूलिंग्स आई हो, केस लॉ मौजूद है इस देश का, तो उसको भी कंसीडर किया जाता है और उसके आधार पर ये निर्णय या ऑर्डर्स दिए जाते हैं। जो वैसे ये दो केस हुए, श्रद्धा वालकर मामला और ये मामला, ये दोनों ही मामले इतने हाईलाइटेड हुए, तो ये हाईलाइटेड जब मामले होते हैं तो ऐसे कई और मामले हैं, लेकिन कुछ मामलों को मीडिया विशेष तौर पर जिन मामलों का चयन करके इस तरह से अगर मीडिया ट्राई होता है तो क्या वो हमारे देश के सिस्टम के लिए सही है? देखो मीडिया जो है क्वाइट नेचुरली बिजनेस है। आप लोग न्यूज चैनल है तो आपको एडवर्टीजमेंट्स मिलते हो, आपका इनकम सोर्स है, और यहाँ मीडिया का काम ही तो है ये कि जो भी ऐसी मशहूर बात है, अभी हमारे कंट्री में एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, सीरियल्स वाले एक्टर्स हैं, ऐसे लोगों के संबंध में ऐसी मामले जब आते हैं तो क्वाइट नेचुरली लोगों को उन लोगों का अट्रैक्शन है, लोग ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में जानना चाहते हैं और लोग जो चाहते हैं वो मीडिया देना चाहती है, दिखाना चाहती है। लेकिन ये सब करते वक्त आपका मीडिया कभी कभी अनुशासन को पार कर देता है, वो ज्यादा ही उसमें घुस जाता है और वो ऐसा, ये न्यूज चैनल्स आप लोगों के देखकर, हम लोग जो ढेर सारे न्यूज चैनल्स देखते हैं वो हम लोग देखते हैं, तो हम वहां बैठे बैठे, मैं अगर आम से इंसान हूं और न्यूज देख रहा हूं तो मुझे बैठे बैठे लगता है अरे हाँ ये बोल रहे ऐसा सही था ये गलत था। तो ये सही गलत जो आप लोग मीडिया में उसका जो विवरण देते रहते हैं वो नहीं होना चाहिए। आप मीडिया का काम क्या है, जो तथ्य आपके सामने दिखा, आप लोग ओपिनियंस देते हैं, आप लोगों के मीडिया के ऐसे लोगों का आप इंटरव्यू लेंगे जिनको इसका नॉलेज ही नहीं है और वो अपना ओपिनियन देगा। अभी मैं भी ओपिनियन दे रहा हूं, आप पूछ रहे हैं मैं कितना काबिल हूं ये ओपिनियन देने के लिए, ये मुझे पहला मालूम होना चाहिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो मैं अगर अभी कुछ आपको ये बता रहा हूं शायद मैं उसके लिए काबिल नहीं हूं, लेकिन आपने वो लिखा, आपने ये रिकॉर्ड किया, आप दुनिया को दिखाओगे। अगर मैं, मुझे ही मेरा नॉलेज कम है और मैं गलत कुछ बोल दिया हूं इधर, तो जानने वाला सुनने वाला क्या बोलेगा, अरे हाँ ये बराबर कह रहे हैं, लेकिन मैं बराबर सचमुच कह रहा हूं कि नहीं ये किसको मालूम। तो मीडिया का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये सब बातें पेश करनी चाहिए। इसमें ओपिनियंस आप लोगों को नहीं देने हैं, आपको फैक्ट्स सिर्फ दुनिया को दिखाना है, ये होना चाहिए। वैसा अक्सर आजकल मीडिया रिपोर्टिंग में नहीं होता है। अच्छा अभी एक वर्ड काफी प्रचलित हो चला है, जो देखो जो जैसा आपने अभी कहा कि मुझे नॉलेज है या नहीं है, लेकिन मैं उसके बहुत सारा वर्णन दे रहा हूँ, तो ऐसा एक वर्ड है लव जिहाद। तो क्या इंडियन कानून में, इंडियन लॉ में ऐसा कोई वर्ड डिक्शनरी में है क्या?
बिल्कुल नहीं, अपना अपना देश सेक्युलर देश है, यहाँ सारे धर्म के लोगों को इक्वेलिटी पे पेश होता हुआ जाता है और सबको हम लोगों को इक्वेलिटी में रहना है, कोई भी धर्म का कोई भी हो। तो लव जिहाद वगैरह ये वर्ड्स मेरे हिसाब से पॉलिटिसाइज किए हुए वर्ड्स है लव से। कोई भी मैच्योर्ड इंसान है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसे हिंदू हो या मुसलमान हो, तो उसको जब ये कानून उसको जब ये समझ होने का उम्र उसका हो जाता है, तो हमारा कानून ये कहता है कि उसको अपना डिसीजन लेने का हक है, या उसकी अभी कैपेसिटी हो गई है उस उम्र में कि वो अपने बारे में सोच सके, अपना जो भी निर्णय अपने को जो उचित लगता है उसको खुद को वो दे सके। तो कोई भी इंसान, अगर मैं दूसरे धर्म के कोई व्यक्ति से प्यार कर रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले प्यार करने के वक्त यह सोचना है क्या मैं उचित निर्णय ले रहा हूं, और अगर मैंने वो निर्णय लिया है और दूसरे धर्म के किसी के साथ मैं मोहब्बत कर रही हूं, तो मेरा जिम्मेदारी है। कोई तुमको अगर फोर्स करके दूसरे धर्म से का इंसान तुमको फोर्सिवली ये सब करवा रहा है तो गलत बात है, और ये इस देश के कानून को वो मंजूर नहीं है। लेकिन कोई भिन्न धर्म के लोगों का लव है, लड़का लड़की प्यार कर रही है और उनमें डिस्प्यूट हो जाता है अगर उसके बाद में, तो उसको लव जिहाद करके आप पब्लिसाइज करो, वो गलत बात है। सर, मीडिया को लेकर आपने काफी कुछ बातें कही, लेकिन इस समय जो मीडिया का रोल है, तो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा एक तरह से देश भर में नहीं चल रहा है कि क्या जो पब्लिक की प्रॉब्लम्स है, जो दिखाई जानी चाहिए वास्तविकता, उस पर फोकस कम होकर ऐसे मुद्दे जो जिन पे बहुत कुछ ज्यादा है नहीं लेकिन सिर्फ टीआरपी जरूर है, क्या उसी पर फोकस नहीं किया जा रहा है? नहीं, ये तो देखिए, मैंने पहले कहा यार, बिजनेस है। कोई भी चैनल अगर चैनल चला रहा है तो चैरिटी के लिए नहीं चला रहा है, घर का पैसा डाल के कोई चैनल नहीं चलाएगा, न्यूज चैनल हो या कोई भी चैनल हो। तो अगर वो अपना चैनल बिजनेस के तौर पे चला रहे हैं, तो अपने को एक बात ध्यान में रखनी है कि वो अपना काम तो करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारी चैनल्स ऐसी हैं, चंद चैनल्स अगर बस प्रकार की है तो ये नहीं होना चाहिए। चैनल की जो कहने की बातें हैं उसमें अनुशासन होना है, और ये अनुशासन जब नहीं होता है तो ये जो मिसयूज जब होता है, तब मीडिया जो है, जो लोकशाही का चौथा स्तंभ माना जाता है, वो स्तंभ अगर ऐसा ढीला अगर करके अपने सामने आएगा, तो अल्टीमेटली ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए भी ये डेंजर है। तो मीडिया को अपना रोल डिसिप्लिन के साथ निभाना है, और वो उनका जिम्मेदारी है कि कुछ भी कैसे भी नहीं छपे जस्ट बिकॉज टीआरपी बढ़ाना है। तो हम बात कर रहे थे वकील साहब से, वकील साहब काफी बेहतरीन चर्चा हुई, उन्होंने अलग अलग पॉइंट को बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझाया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया। कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए लेकिन हो रही है, कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए लेकिन हो नहीं पाती है। तो कुल मिलाकर उसमें जिम्मेदारी हम सबको ही तय करनी पड़ेगी, हमको ही ये सोचना पड़ेगा कि हमको क्या देखना है। हम मीडिया पर दोष देते हैं कि मीडिया बार बार एक ही चीज दिखा रहा है, लेकिन हम वो देख रहे हैं इसके लिए मीडिया दिखा रहा है। अगर हम उसको देखना बंद कर देंगे तो मीडिया वो नहीं दिखाएगा। तो इसी चीजों के लिए हमें खुद आगे आने की जरूरत है। आज के लिए चर्चा यहीं पर रोकते हैं। वकील साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।